औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कमलनाथ ने बताया कि किस प्रकार प्रदेश सरकार की नीतियों और उनके द्वारा किए जा रहे प्रलोभन, जिसमें नौकरी और पीथमपुर के व्यवसाय और फैक्ट्री अवलोकन के बारे में जो जानकारी दी गई है वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और उन्होंने यह भी बताया कि जिस समय हमने इस पीथमपुर की नींव रखी थी तो हमें उसे जिस प्रकार से डेवलप करना था, आज हमारी सरकार आई थी 15 महीने की, जिसमें हमने यहाँ पर इन्वेस्टर को इनवाइट किया था और अब हम इस नगरपालिका द्वारा पीथमपुर में विकास कार्य करेंगे। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। सारे प्रदेश का सत्यानाश, किसानों का सत्यानाश, युवाओं का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, पोषण का सत्यानाश, कानून व्यवस्था का सत्यानाश, यहाँ देखो सत्यानाश, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। वोट अगर धार विधानसभा में देखें तो धार विधानसभा का 2/3 वोट पीथमपुर से है, लेकिन हमेशा कैंडिडेट धार से होता है। क्या पीथमपुर से कैंडिडेट नहीं हो सकता विधानसभा? हम सब संगठन से बात करेंगे, यहाँ 1,75,000 लोग है। कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आई है तो इंडस्ट्री के लिए और निवेश के लिए जो क्या पॉलिसी, आपकी क्या पॉलिसी रही? क्या सबसे पहले आवश्यकता है सरलीकरण की। ये कहते हैं सिंगल विंडो, अरे इनकी विंडो तो है ही नहीं। सिंगल विंडो कौन सी? मैं जानता हूँ ये सब रोना पीटना जो उद्योगपतियों का होता है, जो निवेश लाना चाहते हैं छोटा कैसे उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जब तक सरलीकरण ना हो, इसलिए मैंने 100 यूनिट 100 रुपए लगाए थे। क्यों सरलीकरण? मैंने कहा अगर अदानी अंबानी का भी आता है 100 यूनिट, उसका भी बनना है, ये फॉर्म भरो, ये अपना ये करो, रजिस्ट्री कराओ, ये सब नहीं, सरलीकरण करना है। उद्योगों की आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश में खराब है, इसकी बिल्कुल खराब हो रही है, क्योंकि जो राज्य का जिम्मेदारी है, आज तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहा, कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में कौन सी बीमारी है क्यों ना हो रहा? सर एक स्कॉलरशिप रोक दी थी, कमलनाथ जी एक गंभीर बात है, आप लगातार भ्रष्टाचार पर पूरे प्रदेश में बीजेपी पर बात करते रहे हैं, अगर आपकी अब आपको बधाई हो, पहले तो आपके यहाँ आपकी परिषद बन रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जब आप पीथमपुर में यहाँ आए हैं, काफी बड़ी नगर पालिका है, तो यहाँ बीजेपी बहुत समय से रही है, क्या उनके पुराने भ्रष्टाचारों पर आप जैसे लोग काम करेंगे? क्या आपके लोग उनको कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, वो ये मतलब समझते हैं, जब तक हित में समझते हैं वो करेंगे। तुमको रोजगार मिलेगा। और आज की स्थिति ये है कि पिछले साल 90 लाख नौजवान बेरोजगार थे, इस साल 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार। रजिस्ट्रेशन कितने के भी हुए, 40 लाख 45 लाख की हुए, बस सब रजिस्ट्रेशन ही कर रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें से गिने चुने को रोजगार मिलता है। ये आज प्रदेश की तस्वीर, सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है। बेरोजगार नौजवान जो आज तड़प रहा है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले, पर इसकी सोच नहीं, ये विजन से होता है, टेलीविजन से नहीं होता है। और ये 6-7 महीने बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन रखा है। ये खरीद फरोख के लिए प्रशासनिक दबाव, मैं जानता हूं कि जनपद और पंचायत चुनाव में कितना प्रशासनिक दबाव चला, कितनी खरीदी करी, केवल शो के लिए कि हमने ये बना लिया। परसों ही एक नगर पालिका, बैतूल की एक नगर पालिका की अध्यक्ष, पूरी नगर पालिका ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया।
मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों बीजेपी के साथ गए थे, कहते हम पर बहुत दबाव है, आप उनको दबाव देंगे, हम जानते हैं 6 महीने में क्या होगा। तो ये आज यहाँ प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, ये प्रदेश की छवि है। हमारा 15 महीनों के कार्यकाल का जवाब मांगते, 15 महीने में से 2.5 महीने जो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, शिवराज सिंह जी को शर्म नहीं आती मेरे से जवाब मांगते, वो अपने 18 साल के जवाब नहीं दे सकते। 215 महीनों से इनका शासन है, 215 महीने भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मुझसे 11.5 महीने का हिसाब मांग, जनता मेरी गवाह है, जनता हिसाब का जो हुआ जनता के सामने हुआ, घोषणाओं से नहीं हुआ। अगर गौशाला बने मध्य प्रदेश के इतिहास में एक गौशाला किया, बिजली की बात हो, 100 यूनिट 100 रुपए की बात हो, कर्जे माफ की बात हो, ये तो एक मिनट। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि आपकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया गया, शटडाउन कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? ये सब झूठ। देखिए शिवराज सिंह जी का खाना हजम नहीं होता जब तक वो झूठ ना बोले, उन्होंने 20,000 घोषणाएं करी है 15 साल में, हर बात में झूठ। और अब विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप गवाह हैं, ये विकास यात्रा तो शास्त्रीय यात्रा है। मुझे पंचायत सचिव मिले थे, कह रहे थे किस प्रकार का दबाव उन पर है, इसको बंद करो, अब भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। 150 जगह जहाँ ये गए विकास यात्रा में, उनके विधायक विरोध हुआ, आपने खुद टीवी में देखा, मीडिया में खुद आई बात, इनका जगह जगह विरोध हो रहा है, सब जगह हुआ, 150 जगह हो गया। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि विकास यात्रा, इनकी विकास यात्रा और जनता इसे विकास यात्रा का रूप दे रही है। जी धार विधानसभा की अगर बात करें, एक मिनट, धार में कैसा पूरा करेंगे सिंधिया की जो कमी हुई है, सिंधिया की हम धार विधानसभा की अगर बात करते हैं, अगर धार विधानसभा को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार टिकट दे रही है ओबीसी कैटेगरी को दे रही है, और अगर हम समीकरण की बात करें तो ओबीसी बहुल क्षेत्र है, कांग्रेस जनरल कैटेगरी में टिकट देती है और फिर हार का सामना करना पड़ता है, क्या ये विचारणीय नहीं है? हमने अभी अध्यक्ष किसको बनाया है नगरपालिका ओबीसी को, जी तो क्या ये मान सकते हैं कि अगला टिकट ओबीसी होगा? जिला अध्यक्ष ओबीसी, ये तो सच्चाई है ना, अगला ये मान सकते हैं विधानसभा टिकट ओबीसी होगा? पहले सिंधिया समर्थक जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब कई ऐसे बताया जा रहे हैं कि ऐसे कई सिंधिया समर्थक है जो वापस कांग्रेस आने के इच्छुक है, क्या आप उनको वापस लेंगे? मैं ये हमारा स्थानीय संगठन तय करेगा, ये मैं तय करने वाला नहीं, जो हमारा संगठन कहेगा वो हम करेंगे। शपथ समारोह उसको लेकर जो आयोजन था और आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी विधानसभा को लेकर? आज का जो इस कार्यक्रम है हमारे नगर परिषद उधमपुर में, जो हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत विपरीत परिस्थितियों में जो जीत हुई है उसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने उत्साहवर्धन करने के लिए आज कार्यकर्ताओं के बीच आकर उन्हें शपथ दिलाई और उत्साहवर्धन किया, और हमारे 18 महीने के कार्यकाल में जो जो कमलनाथ जी सरकार ने किया था उसका वर्णन किया है, और आगे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि आप लगे रहें, आगे कहीं ना कहीं 100% बनेगी। हमारे 18 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने इसे पसंद किया है, उद्योगपतियों के साथ भी हमारी मीटिंग आदरणीय कमलनाथ जी ने की है, उन्हें आश्वासन दिया कि उद्योगों से लेकर जो भी पीथमपुर की समस्या है उनका वो हल करेंगे और आगे उद्योगों के बढ़ावे के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और जो जो उद्योगपतियों को सुविधाएं चाहिए वो मुहैया कराएंगे। उसके बाद पार्षदों के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद सम्मान समारोह के साथ शपथ पत्र वाचन करके उनका चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ कि 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हमारी सरकार बनेगी और हम लोगों की जन हित नीतियों के साथ लोगों की सेवाएं कर सकेंगे। जय हिंद जय भारत। प्रवक्ता आनंद जैन कासनीवाल, इंदौर संभाग, मध्य प्रदेश कांग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।